हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बाबा योगेंद्र देवाठियाई तारा मंडल। जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में वोल्ट मीटर के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो वोल्ट मीटर क्या 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 होता है, तो जो एक आइडियल वोल्ट मीटर होता है, आइडियल वोल्ट मीटर मतलब उसमें कोई लॉसेज ना हो, ठीक है। जैसे कि आदर्श वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, बहुत ही हाई होता है। रेजिस्टेंस उसका क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, ठीक है। मल्टीप्लायर जो होता है, मल्टीप्लायर मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे ये वोल्ट मीटर रहते हैं, इसके साथ जो मल्टीप्लायर लगाते हैं, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही उच्च होता है, ठीक है। देखिए आप एक नोट लिखा हुआ, कह रहा है कि एमीटर को हाई रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़कर वोल्ट मीटर की तरह प्रयोग किया जा सकता है। जैसे सपोज करो ये एमीटर है हमारा, एमीटर है, एमीटर को मैंने बताया था कि इसको हम वोल्टमीटर की तरह यूज करते हैं। अगर इसको इसी को हाई रेजिस्टेंस सीरीज में हो जाए, अमीटर को हाई रेजिस्टेंस सीरीज जोड़ कर वोल्टमीटर की तरह, यहाँ पर रेजिस्टेंस जोड़ दे हाई रेजिस्टेंस मान का, इसको वोल्टमीटर की तरह क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और वोल्टमीटर को पैरेलल में, यानी कि अगर पैरेलल में लगा हुआ है, जैसे सपोज करो ये हमारा कनेक्शन, ये हमारे कनेक्शन वोल्टमीटर हमारा हमेशा पैरेलल लगा हुआ होता है, वोल्टमीटर होता है, ये पैरेलल कनेक्शन होता है ना, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि लो रेजिस्टेंस का इसके साथ यहाँ पे वो जोड़ दिया जाए, क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस लो रेजिस्टेंस का जोड़ दिया है, उसको एमीटर की तरह क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि एमीटर को वोल्टमीटर की तरह यूज करने के लिए सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि एमीटर को रेजिस्टेंस की तरह यूज करने के लिए क्या करना पड़ता है, सीरीज में जोड़ना पड़ता है या पैरेलल में जोड़ना पड़ता है, दोनों में जोड़ना पड़ता है। तो जैसा कि आपको पता है कि एमीटर को वोल्टमीटर की तरह यूज करने के लिए हाई रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़कर उसको वोल्टमीटर की तरह प्रयोग किया जा सकता है, और वोल्टमीटर को एमीटर की तरह प्रयोग करने के लिए क्या करते हैं, पैरेलल में हम जोड़ देते हैं लो रेजिस्टेंस मान को, ठीक है, और उसको हम एमीटर की तरह प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि तो आपका ये वोल्टमीटर का हो गया, ठीक है। अब अगला इसमें कह रहा है कि वाट मीटर क्या होता है, ठीक है। यह शक्ति बेसिक आपके घरों में जो पावर होती है, मतलब कि आप सुने होंगे कि 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट नहीं बोलते हैं उसको, बेसिकली कोई कह रहा है कि वो होता है, यह शक्ति मापने का यंत्र होता है, यानी कि पावर मापता है कितना होता है। देखिए डीसी की फार्मूला होता है P/VI होता है, क्योंकि देखिए P/VI वोल्टेज इंटू करंट होता है डीसी सर्किट में। डीसी सर्किट में क्या होता है, P/VI, ठीक है। इसमें क्या होता है, एसी से डीसी सर्किट होता है, इसमें वोल्टेज होता है, करंट होता है, ठीक है, इसमें पावर माप लेते हैं। लेकिन एसी में क्या होता है कि कॉस फाई एंगल होता है, क्या होता है, कॉस फाई, इसमें क्या होता है, एंगल होता है। एंगल क्यों होता है, क्योंकि इसमें इंडक्टेंस होता है, इंडक्टेंस होता है ना, इंडक्टेंस होता है, इंडक्टेंस होता है, प्रेरकत्व का गुण होता है इंडक्शन, इंडक्शन के कारण क्या होता है, इसमें एंगल बनता है। यानी कि एंगल किस प्रकार से बनता है, इस तरीके से, मान लीजिए कोई भी वोल्टेज हो गया या करंट हो गया, कोई भी किसी तरीके का एंगल यहाँ पर बन सकता है, यहाँ बन सकता है, यहाँ बन सकता है, ये डिपेंड करता है किस प्रकार से हमारा उसमें कौन सी सर्किट है, रजिस्टिव सर्किट है, इंडक्टिव सर्किट है, कैपेसिटिव सर्किट है, ठीक है। रजिस्टिव सर्किट के जैसे मैंने पहले ही आपको पता होगा कि रजिस्टिव सर्किट में क्या होता है, वोल्टेज और करंट क्या होते हैं, दोनों क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं, वोल्टेज और करंट क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं। जबकि इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है, आपका इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है, वोल्टेज हमारा क्या होता है, आगे होता है, करंट क्या होता है, पीछे होती है। और कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है हमारा, कि आपका करंट आगे होता है, वोल्टेज क्या होता है हमारा, पीछे होता है, ठीक है, 90 डिग्री का। इसमें क्या होता है, फेज एंगल होता है, ठीक है। तो ये होता है प्योर कैपेसिटी, प्योर रेजिस्टिव, यानी कि उसमें किसी अन्य प्रकार का कोई मिलन ना हो, ठीक है। अगला कारण है इसकी, इसका वर्गीकरण विक्षेपी उपकरण के रूप में किया जा सकता है, यानी कि डिफ्लेक्शन के लिए किया जाता है, ठीक है। या डायनोमीटर प्रकार था, इंडक्शन प्रकार तथा स्थिर विद्युत प्रकार का प्रयोग होता है, परंतु डायनोमीटर प्रकार की प्रयुक्ति ही होता है, क्योंकि यह एसी और डीसी दोनों को मापता है। देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पूछता है कि वाटमीटर का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, वाटमीटर का प्रयोग एसी और डीसी दोनों को मापने के लिए किया जाता है, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। एसी और डीसी दोनों को मापता है वाटमीटर, ना कि केवल एसी नापता है, ठीक है। जैसे कि अब इंडक्शन टाइप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप भी होता है जो वो केवल एसी पे काम करता है, इंडक्शन टाइप जो होता है वो केवल एसी पे काम करता है, ठीक है। आई बात समझ में ना, देखिए आप लिखा हुआ है, अगला बात वही, इंडक्शन प्रकार केवल एसी को ही मापता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसका कनेक्शन किस प्रकार से बना हुआ है, देखिए यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज दिया गया, ये हमारी करंट कॉइल है, ये वोल्ट, ये पोटेंशियल कॉइल है, ये हमारी क्या है, लोड है, ठीक है, करंट कॉइल है, इसके इसे देखिए पैरेलल में जोड़ दिया गया है, हमारा ये वाट मीटर का कॉइल है, ये करंट कॉइल है, पोटेंशियल कॉइल है, ठीक है, पोटेंशियल, ये करंट कॉइल और ये पोटेंशियल कॉइल, ठीक है।
देखिए यहाँ पे अगला वायर सेम चीज़ है वहीं पे, यहाँ पे रेजिस्टेंस जोड़ दिया गया है इसके, यहाँ पे ऐसे करके, और यहाँ पे लोड बना दिया गया है आई प्लस आई आर वाई। ठीक है, अगला है एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर के बारे में आपको पता होगा, जैसा कि एनर्जी मीटर बेसिकली क्या करता है, आपके घरों में कितनी एनर्जी उपयोग हो रही है, बिल आता है आपका ना, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 100 यूनिट, 100 यूनिट, तो यूनिट आता है ना बिल, इसी से इसी यंत्र के द्वारा ही पता चलता है हमारा कि आपके घरों में कितनी बिजली आ रही है, आपके घरों में सॉरी कितनी बिजली ये उपयोग हो रही है। ठीक है, दो यहाँ पे क्या होता है हमारा, क्या क्या लगा होता है इसमें, सब सबसे पहले समझ लो। देखिए ये हमारा होता है पोटेंशियल कॉइल, यानी कि वोल्टता कुंडली यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमारा पेचेदार चक्र होता है, धातुदार चक्र होता है, इससे क्या होता है हमारा मीटर का जो है ऊपर नीचे ऐसे नहीं होता है ऐसे, इस पर 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा होता है ये वाला चीज़, तो यहाँ पे ये होकर धातुदार चक्र दूसरे से जुड़ा होता है, शंट चुंबक होता है, शंट मैग्नेट होता है, और नीचे हमारा होता है सीरीज मैग्नेट लगा होता है। ठीक है, ये देखिए ये हमारा एल्युमिनियम क्लिथ हमारी ये पैटर्न है, ये वाला चीज़ है, ये वाला चीज़, हाँ देखिए ये जो ये चीज़ दिख रही है आपको, ये वाली चीज़ है, ये क्या होती है एल्युमिनियम की, क्या होती है चकत्ती होती है, एल्युमिनियम क्या होती है चकत्ती होती है, जो बेसिकली घूमती है घूमती है, उसके कारण ही हमारी ये वाला चीज़ है क्या होती है, ये चीज़ें हमारी घूमती हैं। ठीक है, अगला देखिए ये कह रहा है कि हमारा धारा कुंडली यानी कि करंट कॉयल है, ये हमारा करंट कॉयल है, ये मैंने पहले ही बताया, ये हमारा ये पोटेंशियल कॉयल है और ये हमारा करंट कॉयल है। ठीक, देखिए ये शंट मैग्नेट है और ये सीरीज मैग्नेट है। ठीक है, ये हमारा क्या है समकारक कॉयल, ये एल्युमिनियम चकती होती है जो घूमती है। ठीक है, हमारा शंट मैग्नेट होता है और ये हमारा क्या है ये सीरीज मैग्नेट, देखिए ये वाला चीज़ है, ये क्या हमारा सीरीज मैग्नेट है। ठीक है, और ये हमारा समकारी कुंडली होती है, समकारी कुंडली से लगाते हैं जिसे हम बेसिकली शेडिंग कॉइल कहते हैं, शेडिंग कॉइल बेसिकली क्या करता है कि ये तांबे की मोटी पत्ती होती है, तांबे का होता है बेसिकली मोटा होता है थोड़ा सा, इस प्रकार से इस आकार में इस पर क्या करते उसमें लगा देते हैं, जिससे क्या करता है ये विक्षेपित कर कम करता है। ठीक है, सप्लाई इधर से दी जाती है, दो आप लोगों ने देखा होगा, ये मान लीजिए 2 फेज सिंगल फेज का मीटर हमारा, 3 फेज का मीटर होता है तो 6 तार जाता है, 6 तार वापस आता है और हमारा क्या लोड कनेक्ट है हमारा। ठीक है, आई बात समझ में, तो हमारा क्या होता है एनर्जी मीटर होता है। ठीक है, थोड़ा सा जूमिंग में देख लीजिए किस प्रकार से इसमें दिखा रहा है। ठीक है, धातुदार चक्र है हमारा, ये शंट मैग्नेट है और ये हमारा का पेचेदार होता है हमारा, ये तभी तो घूमेगा, गियर टाइप में होता है, और हमारा पोटेंशियल कॉइल है, पोटेंशियल कॉइल है, घर्षण पट्टनी है। ठीक है, ये हमारा ताम्र पट्टी है, ये वाली चीज़, ये वाली चीज़ क्या है, ताम्र की लगी होती है पट्टी होती है, ये करंट कॉइल है, इसमें जो करंट जाती है क्या होती है करंट कॉइल है, पोटेंशियल कॉइल होती है, ये श्रेणी चुंबक होता है, ये क्या हमारा श्रेणी चुंबक है, ये हमारा क्या शेडिंग कॉइल होती है वाली, ये वाली क्या सिंगल एक होती है शेडिंग कॉइल होती है। ठीक है, क्रिपिंग को दूर करने के लिए बेसिकली लगाया जाता है, क्रिपिंग क्या होता है जिस मीटर को तेज चले या अधिक चले तेजी से चले, जिससे क्या होता है समझ लो, जैसे कि हमारी ये गोल चक्का होता है यहाँ पे क्या होता है छेद होता है, 2 छेद कर देते हैं क्रिपिंग, यानी कि मीटर जब तेज चलता है तो छेद होने से होता है मीटर नॉर्मल कंडीशन में आता है, यानी कि ना तेज चले ना धीमे चले, जिससे क्या हो सके हमारा जो आउटपुट आ रहा है हमारा, यानी कि जो बिजली का बिल है प्रॉपर आया, नहीं तो अधिक भी आ सकता है और कम भी आ सकता है, मीटर तेज चलने लगा तो बिल आया क्या होगा कम आएगा, अगर मीटर स्लो चल रहा है तो बिल क्या आएगा तेज ज़्यादा आएगा, तो क्या उल्टा लग रहा होगा, लेकिन सिस्टम यही होता है। ठीक है, सॉरी, ये परिपथ की विद्युत ऊर्जा को मापते हैं, यानी कि एनर्जी आपके कितना यूज हो रही है उसको मापते हैं, इसे किलोवाट वाट मीटर भी कहते हैं, किलोमीटर मीटर भी कहते हैं, इस यंत्र में एक चकत्ती काटने वाली चकत्ती होती है गुणन गति, किलोवाट कहने की जितना हमारी एनर्जी यूज करेंगे, जितना यूज करेंगे उसी के हिसाब से हमारी क्या होगी चकत्ती घूमेगी। ठीक है, अनुक्रमानुपाती मतलब जितना ज़्यादा हमारा बिजली उपयोग होगा उसी हिसाब से उसी स्पीड से क्या होगी चकत्ती घूमेगी। आप ऐसा करने को कभी देखे होंगे क्योंकि 2 जनरेटर की वो कनेक्ट कर देंगे सर्किट, तो जो मीटर है वो हमारा तेज़ी से चलने तेज़ी से क्या करेगा घूमेगा, अब तो डिजिटल मीटर आ गए हैं। ठीक है, अगला कह रहे हैं कि
यदि किसी ऊर्जा मापी के फेज तथा न्यूट्रल संयोजन को, यानी कि जैसे सपोज मान लो ये हमारा एनर्जी मीटर है, इसका फेज पॉइंट है, ये न्यूट्रल पॉइंट है, मान लो इधर से लोड आ रहा है, निकल रहा है, लोड जा रहा है, इधर से सप्लाई दी जा रही है, ये फेज है और ये न्यूट्रल है। कह रहा है कि अगर इसके कनेक्शन को, इसके यानी कि इसको न्यूट्रल कर दें और इसको क्या कर दें, फेज कर दें। पहले ये क्या था, फेज था और ये क्या था, न्यूट्रल था, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर वो इसके कनेक्शन बदल दे तो क्या इसकी डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा, नहीं होगा। इसका डायरेक्शन क्या होता है, यानी कि घूमने की जो दिशा एज घूम रही थी ये उल्टा नहीं होगी, इसी डायरेक्शन में क्या होगी, घूमती रहेगी। आई बात समझ में ना, हाँ ठीक। अगला कह रहा है यदि चकती बिना लोड संयोजित किए, यानी कि बिना बिना लोड के, यानी कि हमारा जो एनर्जी मीटर है इसे लोड हमारा क्या हो, कनेक्ट नहीं हो, लोड क्या हो हमारा कनेक्ट ना हो, फिर भी मीटर में क्या हो, हमारी जो एनर्जी है कि मीटर हमारा चल रहा है, इस कंडीशन को क्या कहते हैं, क्रीपिंग दोष कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रीपिंग दोष कहते हैं। इसको दूर करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसको दूर करने के लिए क्या करते हैं, जो एल्यूमिनियम डिस्क होता है बेसिकली जो घूमता है, ठीक है, जो मैं क्या कहते हैं, तो छेद छेद कर देते हैं। छेद कर देने से क्या होता है, इस गति में क्या होता है, उसमें एडी करंट होता है, एडी करंट सिस्टम हो जाता है, जिससे क्या होता है, उसकी गति कंट्रोल हो जाती है, ठीक है, और स्टॉप हो जाती है, ठीक है। अगला कह रहा है कि एनर्जी मीटर चकती के कंपन को नियंत्रित करने के लिए, यानी कि चकती के कंपन को, यानी कि जो वाइब्रेट कर रहा है, नियंत्रित करने डैम्पिंग टायर, एडी करंट द्वारा डैम्पिंग टायर उत्पन्न कर, डैम्पिंग टायर कहते हैं, कंट्रोलिंग टायर इस विषय के लिए कहते हैं। अगला कह रहा है प्राय उपयोग होने वाले सिंगल फेज एनर्जी मीटर, जो सिंगल फेज के एनर्जी मीटर होते हैं वो क्या होते हैं, इंडक्शन टाइप होते हैं, यानी कि एसी पे उपयोग किए जाते हैं। क्यों कह रहा है, अगला किसी डीसी परिपथ की ऊर्जा मापने के लिए उपयुक्त होने वाली ऊर्जा को, उपयुक्त होने वाले ऊर्जा मीटर एम्पियर घंटा प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, एम्पियर हावर प्रकार के होते हैं, एम्पियर हावर प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगला कह रहा है कि ऊर्जा मीटर का स्थिरांक के आर ई पी, यानी कि राउंड पर मिनट और किलोवाट हावर द्वारा व्यक्त किया जाता है, ठीक है। अगला कह रहा है सिंगल फेज ऊर्जा मीटर को श्रेणी चुंबक मोटी वायर की कुछ लपेटों की कुंडली का बना होता है, श्रेणी ऊर्जा मीटर का श्रेणी चुंबक, मैंने आप देखा होगा यहाँ पे इस फिगर में, देखिए यहाँ पे ये जो श्रेणी चुंबक कम लपेट का बनाया हुआ है ना, देखिए कम लपेट का, वही कह रहा है कि लपेटों कम लपेटों का क्या होता है, बनाया होता है, ठीक है। अगला कह रहा है कि ऊर्जा मीटर की गति ब्रेकिंग चुंबक के द्वारा नियंत्रित की जाती है, यानी कि ब्रेकिंग मैग्नेट होता है उसके द्वारा क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए अगर गति को दूर जा रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो मीटर होता है हमारा धीमे चलता है, इस कंडीशन में क्या होता है, मीटर धीमे चलता है, और अगर हम नज़दीक कर दें तो मीटर क्या होगा, तेज़ी से चलेगा, मीटर क्या होगा हमारा, तेज़ी से चलेगा, ठीक है। आई बात समझ में ना, तो ये जो चुंबक होता है इसको दूर दूर कर देने से इसकी स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है, और नज़दीक कर देने से क्या होती है उसकी स्पीड, सॉरी दूर करने से स्पीड क्या होती है, घट जाती है, और नज़दीक करने से क्या होती है, स्पीड हमारी बढ़ जाती है, ठीक है। अगला कह रहा है कि दाब कुंडली महीन वायर की अधिक लपेटों की संख्या की बनी होती है, यानी कि जो पोटेंशियल कॉइल होती है, पोटेंशियल कॉइल में आप देखिए बहुत सारा लंबा तार था, उसमें तार लगा हुआ है, वो क्या होता है, अधिक महीन पतले तारों की होती है, और नंबर ऑफ टर्न क्या होता है उसमें, अधिक होते हैं, ठीक है। और बेसिकली इसको हम रखते हैं तांबे की से बनाते हैं, ठीक है। अगला देखिए इसमें कह रहा है कि ऊर्जा घटक बढ़ाने के लिए ऊर्जा मापी में के धारा कॉइल में तांबे की शेडिंग की रिंग लगाई जाती है, मोटा सा होता है। अगला कह रहा है कि यह ऊर्जा मापी समाकलन यंत्र प्रारूपी होता है, ठीक है, समाकलन यंत्र प्रारूपी होता है। अब बातें हम करते हैं ओम मीटर जैसे ओम मीटर सिंपल सा सिद्धांत ओम मीटर में, कि ओम मीटर क्या होता है हमारा, ओम मीटर में इसके द्वारा रेजिस्टेंस को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ओम मीटर का प्रयोग इसी रेजिस्टेंस का मात्रा क्या होता है हमारा, ओम होता है। देखिए इसका कनेक्शन, ये हमारा क्या होता है, पैमाना होता है, ये क्या होता है, पैमाना, ठीक। ये हमारा क्या है, मैग्नेट सिस्टम होता है, नॉर्थ नॉर्थ एंड साउथ, मैक्सिमम पॉइंटर डिफ्लेक्शन, ठीक है, और ये हमारा इनफाइनाइट होता है, ठीक है। और ये देखिए अब हम यहाँ पे दिखा रहा आपको कि यहाँ पे आप देखो यहाँ पे क्या है कि एक रेजिस्टेंस दिया गया, 3 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दी गई, यहाँ पे कॉइल जैसे ही कनेक्ट करेंगे इसमें डिफ्लेक्शन, यहाँ पे दोनों पॉइंट क्या हमारा, किसी भी चीज़ का रेजिस्टेंस मापना हो उसके आसपास उसके दोनों कॉइल पे चटा दीजिए और क्या करेगा, रेजिस्टेंस माप देगा,
अगला देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके द्वारा चालन का प्रतिरोध मापा जाता है। ओम मीटर को उपयोग में लाने के से पूर्व यह आवश्यक है कि उपयुक्त सीमा का चयन कर लें, यानी कि जितना हम अपना उसको चयन कर लें। संकेतक को उसमें प्रतिरोध हेतु समायोजित कर लें, यानी कि जो हमारा पॉइंटर है निडल है वो क्या करें, निडल को क्या कर दें हम लोग शून्य पे, जीरो पे क्या कर दें इसको यहाँ पे रख दें। अगला कह रहा है कि संकेतक को शून्य प्रतिरोध समायोजित कर लें, उसके प्रोब्स को शॉर्ट सर्किट कर लें, यानी प्रोब्स हमारा क्या है, ये हमारा ये चीज़ें हमारे क्या है प्रोब्स, इसको क्या कर रहे हैं शॉर्ट सर्किट कर लें, ठीक है, एक बार शॉर्ट कर लें, ठीक है। अगला कह रहा है कि अनंत प्रतिरोध दर्शाने वाले वैद्युतिक परिपथ कुलक प्रतिरोध कहलाता है, यानी कि अगर जो किसी भी सर्किट में सपोज करो अपने इसी सर्किट में लगाया और हमारा जो रेजिस्टेंस क्या है यहाँ पे देखिए यहाँ पे जीरो दिखा रहा था, यहाँ पे क्या है जैसे आपने लगाया यहाँ पे ऐसे लगाया तो क्या वैद्युतिक खुला परिपथ, यानी कि यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, यानी कि हाई रेजिस्टेंस है, इसका मतलब क्या है कि सर्किट हमारा क्या है ओपन है, सर्किट हमारा क्या है ओपन है, यानी कि चालू नहीं है सर्किट हमारा, ठीक है ना, बंद है सर्किट हमारा, सॉरी चालू नहीं है, यानी कि सर्किट में करंट नहीं फ्लो कर रहा, इसी कारण क्या होता है रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है हाई होता है, एक सिंगल नॉर्मल वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है हमारा हाई होता है खुला सर्किट में, ठीक है। देखिए अगला है मेगर, मेगर के द्वारा क्या करते हैं हम हाई रेजिस्टेंस को मापने के लिए हम मेगर का प्रयोग करते हैं, यानी कि ज़्यादा रेजिस्टेंस के मान को मापने के लिए क्या करते हैं हम लोग मेगर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब इसमें समझ लीजिए क्या क्या होता है हमारा, ये देखिए मैग्नेट हमारा है, ये हमारा मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट है, ठीक है, ये हमारा मैग्नेट एपी मैग्नेट होता है, हाइड्रन कॉपर हैंड जनरेटर होता है हमारा, इसे घुमाते हैं हैंड जनरेटर, जनरेटर से क्या करते हैं हमारा घुमाते हैं, ड्राइविंग कॉइल होती है, यह क्या होता है हमारा स्केल होता है, ठीक है, ये हमारा कॉर्नमिलर कॉइल है, ठीक है, हमारा अर्थ है और ये मैंने ग्राउंड है, ये लाइन से सर्किट दी जाती है, यहाँ से क्या करते हैं इसको कनेक्ट करते हैं सर्किट में, ठीक है, ठीक। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, इसके द्वारा अर्थ तथा इंसुलेशन का प्रतिरोध मापा जाता है, ठीक है, इसके द्वारा अर्थ तथा इंसुलेशन का रेजिस्टेंस मापने जाता है, यह मेगा ओम में मान दर्शाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा मेगा, मैंने बताया पहले कि इसके द्वारा बहुत अधिक मान के प्रतिरोध को मापने के लिए ही इसका प्रयोग किया जाता है। अगला कह रहा है कि मेगर की सहायता से ध्रुवता टेस्ट, लघु परिपथ टेस्ट, भू परीक्षण टेस्ट किया जा सकता है, ठीक है, यानी कि पोलारिटी टेस्ट भी किया जाता है, एग्जाम में पूछता है कि पोलारिटी टेस्ट माप सकता है या शॉर्ट सर्किट भी माप सकता है, ठीक है। देखिए मेगर में जो कंट्रोलिंग टार्क होता है वो क्वाइल द्वारा प्रदान किया जाता है, यानी कि जो हमारी कंट्रोलिंग टाइप क्वाइल जो क्वाइल होती है हमारी जिंदगी क्वाइल लगी होती है, इसके मुझे क्या होती है हमारी क्वाइल लगी होती है, ठीक है, उसके द्वारा कंट्रोलिंग टाइप प्रदान किया जाता है कि 250 वोल्ट स्थापनाओं के परीक्षण के लिए मेगा वोल्टेज 500 वोल्ट होनी चाहिए, यानी कि 250 वोल्ट की स्थापना परीक्षण के लिए कितना है 500 वोल्ट की सप्लाई होनी चाहिए जिसे टेस्ट किया जा सके कि यहाँ पे ये उपयोग किया जा सकता है कि नहीं। अगला कह रहा है कि इंडियन इंजीनियरिंग के हिसाब से नियमों के अनुसार चालक इंसुलेशन का प्रतिरोध किस हिसाब से होना चाहिए, 50 मेगा ओम प्रति निर्गमों की संख्या से कम नहीं, यानी कि जितने आउटपुट निकल रहे हैं, ठीक है, आउटपुट निर्गमों की संख्या। कह रहा है कि एक विद्युत के तले के अर्थ दोष के परीक्षण पर मेगर की रीडिंग शून्य है तो यह शरीर से छूने पर न्यूट्रल टर्मिनल को दर्शाता है, ठीक है, आई बात समझ में, यानी कि रीडिंग कोई नहीं है तो न्यूट्रल हमारा सर्किट है। अगला है मल्टीमीटर, मल्टीमीटर के बारे में आप लोग पढ़े कई बार बता चुका हूँ मैं, मल्टीमीटर क्या होता है हमारा, ये आवृत्ति नहीं मापा जा सकता है मल्टीमीटर से और बाकी सभी चीज़ें माप सकते हैं, ठीक है, बाकी जितने बहुत सारी चीज़ें मापते हैं ओम मेगा ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसे एबीओ मीटर भी कहता है, एम्पियर वोल्ट मीटर ओम मीटर भी कहा जाता है, इसके द्वारा धारा विभव प्रतिरोध तीनों को मापा जा सकता है, एसी डीसी दोनों को मापता है, इसके प्रचालन के लिए 9 वोल्ट डीसी सोर्स की आवश्यकता होती है, इसके सेक्टर स्विच की स्थिति प्रतिरोध के मान के अनुसार बदलती रहती है बदलती जाती है, ठीक है। इंटीग्रेटेड परिपथ प्रकार का मल्टीमीटर अधिक संवेदनशील और शुद्ध होता है, ठीक। अगला कह रहा है कि ये मतलब इंटीग्रेटेड सिंगल टाइप में जो बात उसकी बात कर रहा है, वो कह रहा है कि शुद्ध और अच्छा होता है। अगला कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक तकनीशियन के लिए सबसे आवश्यक यंत्र है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक तकनीशियन के लिए सबसे आवश्यक यंत्र है। अगला कहला है कि यदि इसकी बैटरी कमज़ोर हो तो यह कम रीडिंग देता है, यानी कि अगर बैटरी कमज़ोर हो तो इसकी रीडिंग क्या होती है हमारी बहुत ही कम होती है, ठीक है। अगला फ्रीक्वेंसी मीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर के द्वारा आपको जैसा पता है कि इसके द्वारा क्या नापते हैं हम लोग फ्री हर्ट्स नापते हैं, फिर आवृत्ति मापते हैं, ठीक है, आवृत्ति का परिभाषा क्या होता है,
नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड कार्ड फ्रिक्वेंसी यानी कि प्रति सेकंड चक्करों की संख्या क्या होते हैं आवृत्ति आपते हैं। इसके द्वारा एसी एसी में एक और क्या होता है आवृत्ति होती है, डीसी में आवृत्ति नहीं होती है। यह अंतर सोर्स वोल्टेज परिवर्तनों में उससे अप्रभावित नहीं रहता है यानी कि वोल्टेज से कम बेसी होने से इसके में कोई प्रभावित नहीं रहता है। अगला कह रहा है कि यह अंतर एक बटा दो चक्कर से कम फ्रिक्वेंसी अंतर को नहीं पढ़ सकता यानी कि एक हाफ से चक्कर से कम फ्रिक्वेंसी को नहीं पढ़ सकता। ये वाला यंत्र बेसिकली इस यंत्र की बात कर रहा है ठीक है। अगला देखिए सी आर ओ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र से डीसी एसी विद्युत तरंग पर्दे पर देखी जा सकती है या बहुत सेंसिटिव होता है। सी आर ओ से सीधे शक्ति को नहीं मापा जा सकता तथा वोल्टेज धारा आवृत्ति को सीधे सीधे मापा जा सकता है यानी कि इसके द्वारा केवल पावर को पावर नहीं मेजर किया जा सकता है बाकी वोल्टेज धारा आवृत्ति फ्रिक्वेंसी किस प्रकार से बिहेव करती है। इस हमारा जो हमारा ये जो दिख रहा है ये वाला चीज़ जो स्क्रीन दिख रही है इस पर क्या कर सकते हैं माप सकते हैं हाँ देख सकते हैं ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लिखे हुए हैं कि इंडक्शन मीटर की रेंज कितनी होती है 100 एम्पियर होती है। एक बीओटी इकाई 740 वाट घंटे के बराबर होती है। यदि चल कुंडली धारा मापी को डीसी पर संयोजित करके उसके संयोजन कुंडली को बदल दिया जाए तो यंत्र विपरीत दिशा में दर्शाएगा ठीक है। ये कह रहा है कि जो पोटेंशियल कॉइल को डीसी पर संयोजित कर दिया जाए तो उसके और संयोजन को क्या कर दिया जाए यानी कि जो कनेक्शन था इसको क्या कर दिया जाए इंटरचेंज कर दिया जाए। इस कंडीशन में क्या होगा यंत्र विपरीत दिशा में विक्षेप दर्शा देगा ठीक है। अगला कह रहा है अस्थायी चुंबक अक्षर कुंडली यंत्र और मंदक बल पैदा करने के लिए एडी करंट विधि का उपयोग किया जाता है यानी कि जो डैम्पिंग टॉर्क को उत्पन्न करने के लिए एडी करंट सिस्टम का ही उपयोग किया जाता है। एग्जाम में पूछता है कि डैम्पिंग टॉर्क उत्पन्न के लिए किस करंट का उपयोग किया जाता है एडी करंट का उपयोग किया जाता है। अगला कह रहा है कि डायनोमीटर प्रकार के यंत्र में धारा कुंडली स्थिर रखा जाता है यानी कि जो डायनोमीटर होता है फिक्स होता है जो हमारे मैग्नेट होता है मैग्नेट करंट कॉइल का उसे क्या करते हैं फिक्स रखते हैं। अगला कह रहा है कि वोल्टमीटर में छेप टार्क उत्पन्न करने के लिए विद्युत स्थैतिकी प्रभाव का उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेट का उपयोग किया जाता है ठीक है। अमीटर में विक्षेपक टार उत्पन्न करने के लिए उसमें प्रभाव यानी कि जो अमीटर होता है उसमें क्या होता है हीट के रूप में उसे हमारा प्रयोग होता है। अगला कह रहा है कि एम्पियर घंटा मीटर के संचालन के लिए रासायनिक प्रभाव का उपयोग किया जाता है ठीक है। स्प्रिंग नियंत्रित मीटर सुग्राह होता है ठीक है। जो स्प्रिंग नियंत्रित मीटर होता है वो क्या होता है हमारे बहुत ही सेंसिटिव होता है अच्छा होता है। अगला कह रहा है कि स्प्रिंग नियंत्रित यंत्रों में नियंत्रित टार्क समायोजन आसानी से नहीं किया जा सकता ठीक है। अगला कह रहा है कि पीजोमीटर का उपयोग बहुत कम दाम मापने के लिए किया जाता है यानी कि पीजोमीटर का होता है प्रेशर मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है ठीक है। अगला क्या नियंत्रित टार्क के लिए स्प्रिंग नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है तो कंट्रोलिंग टार्क के लिए स्प्रिंग पहले ग्रेविटी के लिए तापमान ग्रेविटी होता है जो हमारा यानी कि ये वाला जो सिस्टम जो फ्लूड सिस्टम नहीं होता है लोड वाला ऐसे बनाया था मैंने ये इस पर वेट होता है इस पर वेट होता है इस पर यानी कि कोई टेम्परेचर का प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला कह रहा है कि ग्रेविटी नियंत्रण विधि के दोस्त है कि ऊर्ध्वाधर स्थिति में पोर्टेबल हमेशा इसको सीधा खड़ा रखना पड़ता है ठीक है। प्राय डायनोमीटर प्रकार के वाट मीटर में डैम्पिंग टार्क वाई घर्षण द्वारा लगाए जाते हैं ठीक है। डायनोमीटर प्रकार का वाट मीटर होता है उसमें जो डैम्पिंग टार्क होता है वो एयर के द्वारा लगाया जाता है ठीक है। तो देखो बेसिकली इसमें का सभी मतलब तो अच्छे पॉइंट थे इसमें समझाने के लिए समझा दिया मैंने ठीक है आप लोग का ITI लेवल के लिए ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका ऑब्जेक्टिव में जब भी मतलब चालू करता हूँ मतलब पढ़ाता हूँ तो हो सकता है कल परसों में आ जाए तो ऑब्जेक्टिव से इसका क्वेश्चन कराऊंगा सभी क्वेश्चन ठीक है। तब तक के लिए आप पढ़िए बाय सी यू थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।